नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे। फिर से मैं स्वागत करता हूं कृष्णकांत सिन्हा आप सबका। आप सब मुझे देख रहे हैं इसलिए मैं आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। या फिर अगर आप नए हैं, इस वीडियो को नए देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और वीडियोस आप लोगों के लिए लाता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से लाइफ को आगे बढ़ाने में मदद मिले, आप लोगों को बीमारियों से भी मुक्ति मिले। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो है कैंसर। आजकल ये आम बन गया है, आम कैंसर बन गया है। तो ये आजकल हर किसी को भी हो रहा है, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, हर किसी को हो रहा है। तो आज मैंने सोचा है कि इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को एक बात बताऊं। स्पेशली ये मैं खुद अपने बात की अपने मन से ये नहीं बता रहा हूँ, ये बात है इस किताब की, व्हाट ए डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन। क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? ये जिन्होंने लिखा है वो है डॉक्टर रेडी स्टैंट। इन्होंने इस किताब में काफी ऐसे बीमारियों के ऊपर चर्चा किया है जो न्यूट्रिशन से ठीक किया जा सकता है। तो स्पेशली कैंसर को भी न्यूट्रिशन से ठीक किया जा सकता है। उनकी जो यहाँ पर थियोरी, जो यहाँ पर बोला गया है, उससे काफी आपको मदद मिलेगी। अगर आप किसी को ऐसे ऐसे आदमी को जानते हैं या फिर ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जो कैंसर से प्रभावित है, या फिर आपके परिवार में कोई हो, या फिर आप भी हो सकते हो, तो ये कुछ न्यूट्रिशन यहाँ पर बोला गया है, कुछ यहाँ पर तकनीक अपनाने के लिए बोला गया है जिससे कैंसर को प्रिवेंट भी किया जा सकता है, कैंसर से मुक्ति भी मिल सकती है, कैंसर को आप पहले से रोक सकते हैं, कैंसर को आप अपने शरीर में फैलने से रोक सकते हैं, कैंसर से ठीक भी हो सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मैं खुद तो अपनी बात बता नहीं रहा हूँ, किसी डॉक्टर के एक स्पेशलिस्ट की बात बता रहा हूँ। इस किताब को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डायरेक्टली जाकर परचेज कर सकते हैं। और एक चीज़, इसका MRP पड़ता है 250 रुपीज़। मैंने जो लिंक दिया है वहां से अगर आप परचेज करते हैं तो इसका 130 रुपये में आएगा। तो आप यहाँ सस्ते में आप खरीद सकते हैं और ये किताब आप पढ़िएगा। पढ़ने से आपको ना बहुत सारी ऐसी बीमारियों का पता चल जाएगा कि क्या क्यों ये बीमारी होती है और ये इसको प्रिवेंट करने में आपको क्या क्या करना है। स्पेशली इस बुक के ऊपर मैंने तकरीबन 4 वीडियोज ऑलरेडी दिए हुए हैं, आप उनसे भी देख सकते हैं अगर आप नहीं खरीद रहे हो तो। इसके अलावा और भी 2-3 वीडियो मैं इस किताब के ऊपर दूंगा, और भी कुछ बीमारियां हैं जो जिनको बताना या फिर इन्फॉर्म करना मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो आज बात करते हैं कैंसर, केमोप्रिवेंशन और कैंसर। तो कैंसर में ज्यादातर क्या होता है, केमो देते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी थेरेपी है, केमोथेरेपी, जो पेशेंट जो होता है उसको ऑलरेडी, वो तो बीमार है, कैंसर से प्रभावित है, मेंटली वो एकदम वीक है, उस पर से ये केमो देते हैं और क्या क्या देते हैं, रेडिएशन से भी कुछ करते हैं। तो ये सब कुछ करने के बाद वो और भी वीक हो जाता है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब बोले हैं कैंसर और इसका कारण क्या है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इन दिनों हम जो भी कर रहे हैं, करते हैं या खाते हैं, उसे कैंसर का कारण मान लेते हैं? मतलब आजकल हम लोग जो भी कर रहे हैं या फिर जो भी खा रहे हैं, वो सब कैंसर का कारण ही है। हम यहाँ पर देखिए, सूर्य के प्रकाश में अधिक देर तक रहने से त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। जो अल्ट्रावायलेट जो रे है, अगर आप 10 बजे के बाद अगर आप ज्यादा अगर धूप में रहते हैं, ज्यादा दिन रहते हैं, तो आपका स्किन कैंसर होने की संभावना है। तो धूप में से आपको विटामिन डी मिलता है, तो उसके लिए आपको सुबह सुबह ही धूप का सेकना चाहिए। आप धूप सेक रहे हो तो अच्छा है, इससे आपको विटामिन डी मिलेगा, ये अच्छा है। लेकिन बाद में अगर दिन में अगर आप ज्यादा धूप में चल फिर रहे हैं, तो ज्यादा दिन से चल रहे हैं, तो आपको स्किन कैंसर होने का बहुत खतरा है। धूम्रपान और द्वितीय धुआं फेफड़े के कैंसर का मुख्य कारण है और कैंसर से होने वाले मौतों का सबसे बड़ा कारण है। धूम्रपान बोलिए, स्मोक बोलिए, आप गुटखा बोलिए, कुछ भी बोलिए, ऐसा जो कुछ भी होता है उनसे फेफड़ों का, लंग्स का कैंसर होता है। तो ये आजकल आम बन गया है, ज्यादातर लोग गुटखा खा रहे होते हैं, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, सब कुछ गुटखा खा रहे हैं, तो उन लोगों को कैंसर की ज्यादा से ज्यादा रिस्क होता है। तो यहाँ पर डॉक्टर बोले हैं, यदि कोई कार्सिनोजन शरीर पर आक्रमण करता है तो मैस यूनिट क्षतिग्रस्त डीएनए की मरम्मत करने का प्रयास करती है, लेकिन इस दौरान
अत्यधिक ऑक्सीडेटिव तनाव और स्वतंत्र तत्वों के हुई क्षति से मरम्मत तंत्र हार जाती है और इस कारण डीएनए का परिवर्तन म्यूटेशन तक हो सकता है। तो ये यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, जो हम कार्सिनोजन जो है आजकल, जैसे कि आपका खाने में हुआ, क्योंकि खाने में हम लोग पेस्टिसाइड्स वाला खाना खाते हैं, सब्जी बोलिए, फल बोलिए, कुछ भी बोलिए, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड जो दिया हुआ होता है इन सब में, तो ये सब आपकी बीमारी का बहुत बड़ा कारण होता है। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर आप बीमारी से मुक्ति पाना चाहते हैं, पहले से इसको अगर प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो आपको ये सब में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादातर फास्ट फूड के ऊपर हम लोग डिपेंड हो गए हैं, तो फास्ट फूड को हम लोगों को जरा सा छोड़ना चाहिए, ये यहाँ पर बोल रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बोला गया है कि कैंसर को वयस्कों में डीएनए की प्रारंभिक परिवर्तन से कैंसर विकसित होने में 20 से 30 साल भी लग सकते हैं। बच्चों में यह प्रक्रिया अपेक्षा तेजी से होती है क्योंकि उनमें कोशिकीय विभाजन तेजी से होता है। तो यहाँ पर बोला गया है कैंसर को फैलने में, कैंसर को पता करने में, या फिर कैंसर को अच्छी तरह से आपको डायग्नोस करने में, पता चलने में, या फिर कैंसर फैलने में तकरीबन 20 से 30 साल लगता है जो लोग एजेड है, वयस्क जो होते हैं। बच्चों में इससे काफी कम एज में वो फैल जाता है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया, लेंदी प्रोसेस है। कब से आपको कैंसर आज पता चल रहा है, आपने अभी ट्रीटमेंट किया, लेकिन ये जो कैंसर जो है वो आपका 20 साल से आपका थोड़ा 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 करके 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 हो रहा है। तो ये थोड़ा थोड़ा जो करके हो रहा है, तो एट लास्ट में आपको लास्ट वाले स्टेज में आपको पता चल जाता है, या फिर थोड़े पहले पता चल जाता है। तो ये डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, तो कैंसर को पहले से ही, जब आपका पहला पहला जब स्तर होता है, तब आपको पता चलना चाहिए कैंसर का जो सिम्टम क्या क्या है, उसको पता चल जाएगा, तो आपको आसानी से इससे आपको प्रिवेंशन मिल सकता है, आप इससे बच सकते हैं। तो ज्यादातर यहाँ पर कुछ मरीजों का जिक्र इन्होंने किया है, ये बोल रहे हैं कि ज्यादातर मरीजों को केमो देने के बाद ऐसा सिचुएशन आता है कि बोल देते हैं कि आपका तो 6 महीना आप जिंदा रहेंगे, 3 महीना जिंदा रहेंगे, ऐसा डायरेक्टली बोल देते हैं। तो ये लास्ट वाला स्टेज है, तो ये दुखद के साथ ये बोल रहे हैं कि ऐसा होने से हम लोग बच सकते हैं अगर हम लोग कुछ सावधानी बरते। तो डॉक्टर आमतौर पर कैंसर की उसकी अंतिम अवस्था में पहचान पाते हैं, ये यहाँ पर बोला गया, ये बोल रहे हैं, ये खुद एक डॉक्टर हैं, इन्होंने काफी सारे रिसर्च किए हुए हैं, तो ये बोल रहे हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, आमतौर पर लास्ट स्टेज में आपको पकड़ लेते हैं। तो दुर्भाग्य से जिस कैंसर को सामान्य तौर पर विकसित होने में 10 से 20 साल लगते हैं, कैंसर को विकसित होने में 10 से 20 साल होते हैं, तो हम लोग को पता चलना चाहिए, हम लोग को पहले से ही इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रत्यक्ष या वह कैंसर इतना विकसित हो जाता है कि इसके लक्षण प्रत्यक्ष या एक्सरे पर दिखाई देने लगते हैं। डॉक्टर आक्रमण सर्जरी, केमोथेरेपी और विकिरण का सहारा लेते हैं, लेकिन मरीजों को बहुत कम मदद मिलता है। तो ये सब करने के बाद भी बहुत सारे 90% मरीजों को मदद कम मिलती है, वो लोग कैंसर के कारण उनकी मौत हो जाती है। तो 10% लोग लकी हो जाते हैं, वो लोग बच जाते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज वो बोला गया है कि उनकी जो डॉक्टर साहब जो है, उनकी जो मम्मी जो है, उनका भी कैंसर हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, अपनी मम्मी को बोला, मम्मी आप ये लो वो लो, तो उन्होंने नहीं किया, डॉक्टर्स का बात सुना है, शायद वो दूर रहते थे, तो डॉक्टर दूसरे जो कैंसर जो स्पेशलिस्ट थे उन लोगों की बात सुने, तो फिर वो उनकी 6 महीने में उनकी डेथ हो गई, उनके केमो दिया, ये दिया थे, क्या क्या कर दिया। तो वो बोल रहे हैं 6 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिसका कारण ना सिर्फ कैंसर था, सिर्फ कैंसर के कारण उनकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि इलाज के कारण हुई कमजोरी और बीमारी थी। ये कैंसर वाले पेशेंट ना इतना कमजोर हो जाते हैं और उसी के कारण उनकी ज्यादातर मौत हो जाती है। तो हो सकता है कि इस तरह का आक्रामक इलाज मरीजों के जीवन को कुछ महीने या साल के लिए बढ़ा दे, लेकिन इस थोड़े से लाभ के लिए पहले से कमजोर मरीज को इतना कष्ट देना अत्याचार के समान है। तो पहले से ही कैंसर वाला पेशेंट कमजोर हो जाता है, उस पर भी आप ये कर रहे हो, कहो क्या क्या कर रहे हो, तो इससे इसका ये ऐसा करना मतलब अत्याचार के समान है, ये बोल रहे हैं। क्या आपको इस बात पर कोई शक है कि इस असाध्य बीमारी को इसके विकास की शुरुआती अवस्था में ही रोक लेना चाहिए?
आप जानते हैं कि हम सभी को यही आशा है कैंसर के विकास में ऑक्सीडेटिव तनाव की भूमिका को समझने से इसके बचाव के इलाज की कोई संभावनाओं नई संभावनाओं का पता चलता है। मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है यही सबसे मूल कारण है कैंसर को बढ़ने में। ये एक अच्छा मूल कारण मतलब इन्होंने बोला है, ये प्रमुख कारण बोला है। इसके कारण बहुत सारे कैंसर हो रहे हैं। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को आपको मतलब पहले से ही खत्म करना है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करने के लिए अभी क्या क्या करना चाहिए, ये भी हम आगे बता देंगे। यदि हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होंगे तो ऑक्सीडेटिव तनाव नहीं आएगा और डीएनए के केंद्रक प्रारंभिक क्षति से सुरक्षित रहेंगे। हमारे शरीर में हमारे बॉडी में अगर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अगर ज्यादा रहे तो हम लोगों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं आएगी। तो इससे हम लोगों की कोई भी बीमारी आने से पहले ही हम लोग को रोक दिया जाएगा, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो। यहाँ वे कदम बताए जा रहे हैं जो कैंसर का कारण खत्म करने के लिए आपको तुरंत उठाना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स दिया गया है जो आपको कैंसर को दूर करने के लिए आपको इस्तेमाल करना है। तो पहले बोला गया है धूम्रपान बंद करें। जो सिगरेट का धुआं जो होता है उससे कार्सिनोजन उत्पन्न होता है, ये कैंसर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाता है। इससे कैंसर के ज्यादा से ज्यादा खतरा होता है। इसी प्रकार तंबाकू में भी सेम एज इट इज वही है। तो सूर्य के प्रकाश में निकलने से बचे। सूर्य का जो है आपका जो सूर्य की रोशनी जो होती है उससे लाभ कब होता है, जब आप सुबह सुबह जब आप सेकते हैं धूप तब आपको क्या होता है, वहां से आपको विटामिन बी मिलता है। तो लेकिन यहाँ पर ज्यादा अगर देर आप अगर बाद में अगर धूप में रहते हैं देरी से तो इससे आपको स्किन कैंसर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। वो फिर यह बोलते हैं कम वसायुक्त तो भोजन करें, जो ग्लूटीन फ्री जो है वो कम खाए, या फिर आपका बोलिए जो तेल मसालेदार खाना कम खाए, ऐसा कुछ बोले हैं ये। बहुत सारे ऐसे खान पान के कारण भी आजकल कैंसर की बहुत ज्यादा बीमारी हो रही है, चाहे लिवर कैंसर हो कुछ भी कैंसर हो। तो ये खान पान में भी हम लोग का अगर हम लोग उस पर अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इससे भी ये हो रहा है। ये यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए ऐसा खासकर तब होता है जब भोजन में पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो। हमें भोजन में संतृप्त वसा की मात्रा कम करनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम रोजाना 7 फल सब्जियां खाएं और 35 ग्राम से ज्यादा रेशेदार भोजन का सेवन करें। 7 फल और सब्जियां मिलाकर कुल मिलाकर 7 हम हर रोज खाना चाहिए हम लोगों को, और साथ में रेशेदार जो खाना होता है वो भी खाना चाहिए। रेशेदार चाहे फल हो सब्जी हो वो भी खाना चाहिए। ज्यादातर लोगों को ये यहाँ पर ये भी बोले हैं कि ज्यादातर लोगों को ये इस बात का पता है, लेकिन 99% लोग इस बात से दूर भाग रहे हैं कि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक कारण है बीमारी को आगे बढ़ाने के लिए। तो बीमारी अगर कम करना है तो आपको सब्जियां खाना पड़ेगी, रेशेदार जो सब्जी है वो खाना पड़ेगा, फल भी खाना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है। अन्य कार्सिनोजन से बचे, जब भी संभव हो कैंसर उत्पन्न करने वाले विभिन्न कारकों से जैसे विकिरण, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, एस्बेस्ट, चारकोल, काजल आदि के संपर्क में आने से बचे और इन्हें अपने घर के वातावरण से दूर करने का प्रयास भी करें। कुछ ऐसे कारण भी बोले गए हैं जो इनसे आपको बचना भी चाहिए। यह सिद्धांत गांठ बांध ले कि यदि हम इन सभी कार्सिनोजन के संपर्क में आना कम कर दें तो हमारे शरीर को लड़ने के लिए कम स्वतंत्र तत्व उत्पन्न करने होंगे। उदाहरण के लिए रोज 2 पैकेट सिगरेट पीने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्यवर्धक पोषक भोजन और पोषक दवाइयों के सेवन की सलाह देने में मेरी मुश्किल का मतलब क्या करते हैं, ये यहाँ पर बोले हैं कि अगर हम लोग इन बातों का अगर ध्यान करते हैं, ध्यान लेते हैं हम लोग अगर अपने लाइफस्टाइल में इसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो हम लोगों का कैंसर की खतरा एकदम कम से कम हो सकता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर फिर बोला गया है, देखिए केमो प्रिवेंशन का दूसरा चरण, केमो प्रिवेंशन से आपको दूसरा चरण कुछ और टॉपिक्स यहाँ पर दिया गया है। वातावरण में रहते हुए रसायनों और कार्सिनोजन के संपर्क से बच पाना हमारे लिए संभव नहीं है। जो हम लोग का पोल्यूशन है उससे हम उसे रोकना हम लोग का तो संभव नहीं है। हम लोगों को तो इसी में सांस लेना, तो इससे तो हम लोग बच नहीं सकते। क्या क्या हम लोग के अंदर घुस रहा है सांसों के साथ, तो इस सबसे अच्छा तरीका इससे बच निकलना नहीं है, बल्कि यह है कि हम
हमारे शरीर के एंटीऑक्सीडेंट रक्षा के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करे और यह संभव होगा स्वास्थ्यवर्धक भोजन की शुरुआत से। बचना तो हम लोगों के बस में है नहीं, सांस तो लेना ही है, तो सांस में ही सब कुछ आ रहा है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत भोजन जो है पर्याप्त तो भोजन क्या बोलते हैं इसको, स्वास्थ्य वर्धक भोजन, हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट जो बोलते हैं, उसको लेना बहुत जरूरी है। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है वही है। जो लोग फल सब्जियां एंटीऑक्सीडेंट की मुख्य स्रोत का सेवन उच्च मात्रा में करते हैं, उनमें किसी प्रकार के कैंसर का खतरा बहुत कम होता है। अधिक मात्रा में फल सब्जियां का सेवन करने वाले लोगों में कम मात्रा में इनका सेवन करने वाले लोगों की अपेक्षा कैंसर का खतरा 2 से 3 गुना कम हो जाता है। मतलब जो लोग ज्यादा फल सब्जियां खा रहे हैं उन लोगों को कम कैंसर हो रहा है, और जो लोग कम फल सब्जियां खा रहे हैं उन लोगों को ज्यादा कैंसर की खतरा हो रहा है, कैंसर हो रहा है उन लोगों को। तो ये भी याद रखें, रोजाना 5 से 7 फल सब्जियां का सेवन कर हम इस प्रकार के कैंसर के खतरे को आधा कर सकते हैं। तो ये 50% तक हम लोग इसे रोक सकते हैं। अभी से शुरुआत कीजिए, हर रोज थोड़ा बहुत फल खाइए, थोड़ा बहुत सब्जियां खाइए, सब्जियां बहुत जरूरी है। सलाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग खाने में, तो ये ऐड कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। या फिर खीरे को भी यूं ही खीरा खाइए, और क्या क्या है गाजर है वो सब खा सकते हैं आप सलाद के तौर पर, या बिना सलाद के भी आप वो खा सकते हैं यूं ही, अच्छी बात है। फल तो आप लोगों को रास्ते में मिल जाएगा, फल खरीद के खा लीजिए। आजकल फल में भी वो होता है पेस्टिसाइड वगैरह, फिर भी थोड़ा बहुत तो मिलेगा आपको, इसके अलावा तो हम लोग का और कोई चारा भी नहीं है। तो यहाँ पर शरीर की सबसे सटीक सुरक्षा है स्वस्थ भोजन। शरीर की ईंधन और आपूर्ति की जरूरत के अनुसार लिए गए भोजन का स्थान किसी भी डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह नहीं ले सकती। डॉक्टर ये बोल रहे वो बोल रहे वो बोल रहे ये करो वो करो, उससे स्वस्थ हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा अच्छा टिप्स ये है कि आप जो डाइट है उसको आप ठीक कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, इधर उधर का खाना बंद कीजिए, हेल्दी डाइट लेना शुरू कर दीजिए, यही सबसे अच्छा होगा आपके लिए बोला है। अतिरिक्त शरीर में मजबूत प्रतिरक्षी तंत्र निर्माण का सबसे पहला कदम यह है कि हम फल सब्जियों से भरपूर अधिक रेशेदार और कम वसा वाले भोजन का सेवन करें। अतिरिक्त पोषक तत्वों के रूप में एंटीऑक्सीडेंट लेना केमो प्रिवेंशन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। शोध बताते हैं कि 20 हफ्तों तक स्वस्थ भोजन के साथ विटामिन सी, विटामिन ई तथा बीटा कैरोटीन के सेवन से धूम्रपान करने व न करने वालों दोनों ही लोगों के डीएनए के ऑक्सीडेटिव क्षति को काफी हद तक घटाया जा सकता है। विटामिन ई से व्यायाम के द्वारा हुई डीएनए क्षति से भी सुरक्षा मिलती है। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपको क्या क्या एंटीऑक्सीडेंट लेना है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करने के लिए। जो लोग जो आपका धूम्रपान से होता है, स्मोकिंग से जो होता है, ये बोला गया है कि विटामिन सी लेना है, विटामिन ई लेना है, बीटा कैरोटीन लेना है, ये आपको इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से मुक्ति दिला देगी। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज पढ़ते हैं यहाँ पर। ये 10 पन्नों का चैप्टर है, आपको थोड़ा बहुत समय लगेगा लेकिन आप इसको सुनिएगा, ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक भूमिका निभाएगा। ये बात ये किताब भी आपकी भूमिका निभा सकता है, आप इसको खरीद भी सकते हैं, मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। कैंसर एक बहुचरणीय प्रक्रिया है और कैंसर कारक ट्यूमर्स प्रारंभिक अवस्था में ही बहुत विकसित हो जाते हैं। बहुचरणीय प्रक्रिया के अगले चरण में वास्तविक कैंसर का विकास होता है। तो ट्यूमर जो होता है वो वही पहला चरण होता है, ये बोल रहे हैं ट्यूमर की तरह ही होता है, छोटा होके होके फिर ये फैल जाता है। तो ट्यूमर ही पहला कारण है कैंसर का। तो आपको अगर आपके घर में अगर किसी को ट्यूमर वगैरह है तो उससे पहले ही सबसे अब जब आपको पता चल जाए तो जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करके ठीक करने की बहुत जरूरत है। साथ ही उसके साथ उस मरीज को एंटीऑक्सीडेंट दीजिए, एंटीऑक्सीडेंट देंगे तो आप उनको जल्दी से जल्दी ठीक होंगे और बाद में इसको फैलने में आप रोक सकते हैं। तंबाकू चबाने वालों में एंटीऑक्सीडेंट स्तर कम हो जाता है। जो तंबाकू चबाते हैं, गुटखा चबाते हैं, उन लोगों में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा एकदम कम हो जाती है, तो उन लोगों की बीमारी की परसेंटेज 90% ज्यादा होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट ना सिर्फ कैंसर को विकसित होने से रोकते हैं बल्कि वह कोशिकीय क्षति को उलटने के लिए शरीर के मरम्मत तंत्र को भी ताकतवर बना सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ना ही बल्कि आपका कैंसर को रोक सकता है, बल्कि हम लोग का जो सेल है, बॉडी का सेल है, उसको भी इम्प्रूव करता है, उसको स्ट्रांग बनाता है। तो यहाँ पर कुछ और टिप्स भी दिए गए हैं, आप लोग इसे
अगर खरीद रहे हैं तो पढ़िएगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा आप लोगों को, वो हो जाएगा। तो इसलिए सर्वाइकल डिप्लोमेसी एक और दूसरा प्रारंभिक कैंसर ट्यूमर है जो शरीर के सतह पर पाया जाता है। अनेक अध्ययन से इस बात की पुष्टि हुई है कि बीटा कैरोटीन और विटामिन सी की कमी वाले लोगों में सर्वाइकल डिप्लोसिया का खतरा बहुत अधिक होता है। तो बहुत सारे लोगों को, किसी भाई साहब ने मुझे पूछा था कि किसी को सर्वाइकल कैंसर है, तो सबसे पहले सर्वाइकल कैंसर से पहले उसको उसको सर्वाइकल डिप्लोमेसी होता है। तो डिप्लोमा इसको ये क्यों होता है, क्योंकि उनमें विटामिन सी और बीटा कैरोटीन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो इसको भी आप अगर अप्लाई करते हैं, तो इसको भी अपने खुद तो अगर अप्लाई करते हैं या फिर उसको देते हैं, उस पेशेंट को देते हैं, तो उनका भी काफी अच्छा रिकवर हो सकता है। भोजन में विटामिन ए, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन और विटामिन सी की कमी से सर्वाइकल कैंसर का खतरा काफी बढ़ जाता है। हम लोग जो भोजन खाते हैं उसमें काफी कुछ कमी आ जाती है, तो उससे सर्वाइकल कैंसर होता है। तो इसलिए हम लोग को क्या क्या कमी हो सकती है, वो बोला गया है विटामिन ए, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन एंड विटामिन सी। केवल इतना ही नहीं कि हम एंटीऑक्सीडेंट ही ले, यहाँ पर बोला गया सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट मत ले और भी क्या करें, यहाँ पर और चीज बोला गया है, इसके साथ हमें खनिज मिनरल्स लेना चाहिए। विटामिन्स तो आप ले रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हैं, तो इसके साथ मिनरल्स लेना बहुत जरूरी है। मिनरल्स में क्या क्या है, मैंगनीज, जिंक, सेलेनियम तथा कॉपर, ये भी मिनरल है, इसकी भी बहुत जरूरत है। इसके साथ विटामिन बी की भी जरूरत होती है जो एंजाइम अभिक्रियाओं में मदद करता है। विटामिन बी बहुत जरूरी है, आपको कैंसर को प्रिवेंट करना है, कैंसर से दूर भागना है, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट लेना है, मिनरल्स लेना है और उसके साथ विटामिन बी भी लेना है। विटामिन बी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर काफी कुछ इन्होंने स्टोरी, कुछ दो लोगों की स्टोरी बताए हैं जिनको इन्होंने न्यूट्रिशन से काफी रिकवर किया है, उन लोगों को ठीक किया है, तो उसकी स्टोरी यहाँ पर दिया गया। ये स्टोरी अगर बोलूंगा तो आपका दिन निकल जाएगा, तो इसको भी आप लेकर खुद पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी स्टोरी है, इससे काफी अच्छा पता चलता है। तो यहाँ पर ये इस स्टोरी में, इन दोनों स्टोरी में एक चीज का मुझे ये पता चला है कि जो लोग केमो लेते हैं, जिन लोगों को कैंसर है, वो लोग क्या होता है, कमजोर तो हो रहे होते हैं, तो उन लोगों को अगर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा में, अधिक मात्रा में, कम नहीं, एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा देना है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब आपको विटामिन ई, विटामिन सी, आपको बेटा कैरोटीन बोलिए, ये जो होता है ये सब सब देना है, सब एक साथ नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, एक 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 टाइम में आप लोग इसे दे सकते हैं, मतलब एंटीऑक्सीडेंट एक के बजाय तीन तीन एंटीऑक्सीडेंट देना है। तो इससे क्या होता है, ये लोग जो है, जो इन लोग का जो रे जो होता है, इन लोग को जो क्या क्या कैमो देते हैं या फिर और क्या क्या देते हैं, तो इससे वो लोग कमजोर हो जाते हैं, इसको सहन नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग इससे उल्टी कर लेते हैं और ज्यादा बीमार हो जाते हैं। तो जब ये एंटीऑक्सीडेंट ले लेते हैं, ये जो जो पेशेंट जो है कैंसर वाले, तो उन लोगों को क्या होता है, इन सबसे मतलब लड़ने के लिए ताकत मिलता है, नॉर्मल नॉर्मल बिहेव कर लेते हैं, पहले से ही उन लोगों को मतलब फाइट करने में उन लोगों का स्ट्रांग वो होते ही है, ये अगर ले लेते हैं तो। इससे क्या होता है, कैंसर वाले पेशेंट को कम परेशानी होती है, उन लोगों को मतलब नॉर्मल जैसे बीमारियों में जैसे इलाज हो रहा है वैसे ही उन लोगों को लगने लगता है, स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि कैंसर वाले पेशेंट को एंटीऑक्सीडेंट देना। ये दोनों स्टोरी में मैंने यही ही पढ़ा है कि केमो दे रहे हो या फिर कोई भी ऐसे सर्जरी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, रिकवर अच्छा होता है इससे, आपको जल्दी से अगर आप एंटीऑक्सीडेंट देते हो उससे रिकवर जल्दी अच्छा हो जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है एंटीऑक्सीडेंट, और फिर सहन करने के लिए भी जरूरी है एंटीऑक्सीडेंट। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल के, विटामिन ई केमोथेरेपी से फेफड़े, लीवर, किडनी, हृदय तथा त्वचा के होने वाली क्षति से सुरक्षा करते हैं, करता है विटामिन ई, ये इन सब चीजों से आपको पहले से ही वो करता है। कोएंजाइम क्यूटेन, कोक्यूटेन, एड्रियाम, एड्रियामाइसिन नामक दवा से हृदय को लंबे समय तक होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये कैंसर में देने वाले चीज होता है, केमोथेरेपी भी देते हैं और एक और होता है एड्रियामाइसिन बोल के, एक और दवाई भी होता है, इससे भी क्षति होता है, तो इसके लिए भी कोएंजाइम क्यूटेन जरूरी है। बीटा कैरोटीन और विटामिन ए, रेडिएशन और केमोथेरेपी, रेडिएशन से भी कैंसर वाले पेशेंट को जो ट्रीटमेंट करते हैं, तो इससे भी जो खतरा होता है, विटामिन ए रेडिएशन और केमोथेरेपी के विपरीत प्रभावों को कम करता है। ये सभी एंटीऑक्सीडेंट सामान्य कोशिकाओं के डीएनए को क्षति से बचाता है। तो इम्पोर्टेंट है विटामिन ई, इम्पोर्टेंट है
विटामिन कोएक्यूटेन इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए इंपॉर्टेंट है, बेटा कैरोटीन इंपॉर्टेंट है, इसके साथ विटामिन सी दे सकते हैं, विटामिन बी ऐड कर सकते हैं, ये सब आप दे सकते हैं। तो ये क्या क्या कर रहा है, ये यहाँ पर बोला गया है कि जो लोग कमजोर पड़ रहे हैं कैंसर में ट्रीटमेंट के दौरान दवाई को दौरान, तो उनसे इन लोगों को रिकवर होता है, उससे क्षति नहीं पहुंचती, कोई भी हानि नहीं होती है ये अगर लेते हैं तो ये कुछ और टॉपिक्स भी दिए गए हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों का काफी समय मैंने ले लिया है। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा यार, कुछ अगर और भी अगर कुछ चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे हौसला मिल जाएगा, आप लोग मुझे मतलब साहस दे रहे हो ऐसा मुझे लगेगा। अगर अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।